स्टार्ट विद द गुड नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट। वेलकम बैक टू डियर्स, अस्सलामु अलैकुम एंड नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैप्टर से मुतल्लिक पहले भी हम काफ़ी लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज का भी जो हमारा लेक्चर होगा वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड होगा। सो स्टूडेंट्स विल नो अबाउट कंपेरिजन बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स विल नो अबाउट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के मुतल्लिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के मुतल्लिक। भाई कोवलेंट बॉन्ड आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं। अब उनकी कंपेरिजन पढ़ते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है या सेम थिंग क्या है, अब वो हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अजप्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड आल्सो द अजप्शंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वन साइडेड शेयरिंग की वजह से होता है, यानी कि एक तरफा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। हालांकि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। भाई इसमें क्या होता है कि दो एटम जो आपस में बॉन्डेड होते हैं वो दोनों आप अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, यानी इस तरफ वाला भी एटम और इस तरफ वाला भी दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद एक बहामी शेयरिंग करेंगे और फिर एक बॉन्ड बनाते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में वन साइडेड शेयरिंग होती है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि वन एटम इज डोनर एंड अदर एटम इज विल बी एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, वन हैविंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर शेयरिंग एंड अदर मस्ट एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कहता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा अनलाइक एटम्स में बनता है, कि ऐसे एटम्स के दरमियान में बनता है कि जिसमें एक एटम जो दो इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता हो और दूसरा एटम उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत रखता हो, यानी डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में बनता है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन सिमिलर एज वेल एज डिसिमिलर एटम्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअली शेयर्ड। ये कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा सिमिलर एटम्स में बनता है और डिसिमिलर एटम में भी बनता है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर बिकॉज इट इज नॉट फॉर्मड बिटवीन लाइक एटम्स एंड इज ऑल्सो नोन एज कोआयनिक। ये कहता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा पोलर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कभी भी एक जैसे एटम्स के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से वो कोआयनिक होते हैं। यानी कि कोआयनिक का मतलब ये है कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में भी पोलर आर नॉन पोलर, कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, यानी कि वो सिमिलर एटम्स में बनते हैं और डिसिमिलर में भी बनते हैं, यानी कि उनमें कुछ कोवलेंट बॉन्डिंग ऐसी होती है कि जिनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सिमिलर एटम के दरमियान में बनेंगे उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और जो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में बनते हैं उनमें क्या होती है, डिसिमिलर एटम में जो बनते हैं उनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये कहता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज एसोसिएटेड विद द आयोनिक एंड कोवलेंट करेक्टर बिकॉज ऑफ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आयोनिक और कोवलेंट करेक्टर दोनों ही रखते हैं, क्योंकि उन पर पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कि भाई उनका आयोनिक भी होते हैं वो और कोवलेंट भी करेक्टर रखते हैं, यानी उनमें बॉन्डिंग कोवलेंट है मगर करेक्टर क्या होता है आयोनिक, के वन साइडेड शेयरिंग है, एक डोनर है और दूसरा क्या है एक्सेप्टर है। हालांकि आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट करेक्टर ही होता है,
क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र नहीं होती, इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर किया जाता है। उसके बाद कहता है द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज डोनेटेड बाय एन एरो, कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप लोग डोनेटेड कैसे करते हो, बाय एन एरो, एरो के जरिए, कि भाई एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान में जो एरो लगाई जाती है, इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ एरो का निशान यानी कि मूव कर रहा है वो आपका एक्सेप्टर है, और जहाँ से एरो आ रही है वो आपका क्या है, डोनर है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर किया जाता है सिंगल पेयर से, यानी कि सिंगल लाइन से, डबल लाइन से और ट्रिपल लाइन से। भाई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को डोनेटेड किया जाता है सिंगल लाइन से, डबल कोवलेंट बॉन्ड को डोनेटेड किया जाता है डबल लाइन से, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को डोनेटेड किया जाता है ट्रिपल लाइन से। उसके बाद ये कहता है के वेयर एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, के कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड जो है वो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर हल भी हो सकते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड वो यूजली इनसॉल्युबल होते हैं, वो आमतौर पर कभी भी हल नहीं होते, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड उनका करेक्टर क्या होता है, कोवलेंट होता है, उनका आयोनिक करेक्टर नहीं होता। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड का करेक्टर आयोनिक होता है, इस वजह से वो वाटर के अंदर हल हो सकते हैं, यानी हल होने की सलाहियत रखते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड वो इस वजह से हल नहीं होते क्योंकि उनका करेक्टर क्या होता है, जस्ट कोवलेंट होता है, कोआयोनिक नहीं होता। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब देखिए हम लोग काफ़ी टाइम से यही लेक्चर पढ़ रहे हैं कि भाई कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो देखें भाई, पहला जैसे आप लोगों के पास क्या है, क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या है, डायटोमिक फॉर्म में है, तो आपको पता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड ये आपका बनाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जबकि सोडियम क्लोराइड आप लोगों का बनाता है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आप लोग कहते हो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी एक जैसे भाई सोडियम बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप से, तो इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है वैलेंस शेल में। क्लोरीन बिलोंग करती है सेवंथ ग्रुप से, तो इसके लास्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करने की सलाहियत रखता है। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा क्लोरीन को, कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो इस सूरत में इनमें जो बॉन्डिंग प्रोड्यूस होगी इसे आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, ये कुछ करेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी, आइए आज भी हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था तो तब भी इसका जिक्र हुआ था, तो आज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी आयोनिक बॉन्ड जैसा ही होता है, इस वजह से हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को दोबारा रिपीट कर रहे हैं आज के लेक्चर में। इन कोवलेंट बॉन्ड, इन आयोनिक बॉन्ड इट इज इम्पॉसिबल टू से डेट एनी टू आइंस आर बॉन्डेड टू ईच अदर टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल। ये कहता है कि भाई ये इम्पॉसिबल है कहना कि भाई दो आइंस हों जो बॉन्डेड किए जाएं एक दूसरे के साथ और वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करें। वो आयोनिक कंपाउंड का क्रिस्टल प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपोजिटिवली चार्ज आइंस के म्यूचुअल सराउंडेड होने की वजह से उनकी एक मखसूस अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से आयोनिक सॉलिड जो होते हैं या इलेक्ट्रोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद ये कहता है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर आयोनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन द आयंस। ये कहता है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। भाई अब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की सबसे बड़ी वजूहत ये है कि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद ये कहता है कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं यानी कि कंपाउंड जो होते हैं उनमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि उनके आयंस जो है वो फ्रीली मूव नहीं करते।
सॉलिड फॉर्म में है तो आयंस फ्रीली कैसे मूव करेंगे? जब आप लोग क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसोसिएट कर देंगे तो उनका क्या बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, जिसे आप लोग डिफ्यूज्ड स्टेट भी कहते हैं, फ्यूज्ड स्टेट भी कहते हैं, या सॉल्यूशन फॉर्म भी कहते हैं उसे। अब सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर इजीली आर फ्रीली मूव, यानी कि उनके आयंस क्या करते हैं, आसानी से मूव कर लेते हैं। देखिए जैसे आप लोगों के पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, आप इसको वाटर के अंदर डिसोसिएट करते हैं। जब आप इसको वाटर के अंदर डिसोसिएट करेंगे तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन को, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, वो बन जाएगा क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। तो सोडियम मूव टूवर्ड द कैथोड प्लेट बिकॉज सोडियम कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड कैथोड कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन इट, एंड क्लोरीन मूव टूवर्ड्स द एनोड प्लेट बिकॉज क्लोरीन हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड एनोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। अब जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड की मदद से, इलेक्ट्रोड प्लेट की मदद से सॉल्यूशन में डिप जो इलेक्ट्रोड प्लेट है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये आयंस मूव करेंगे, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाएगी। तो आप आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। देखिए आप ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आसानी से पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, उस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से वो इजीली वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। क्योंकि अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की अगर हम बात करें तो बात वही सेम ही आ गई, जिनके अंदर आप लोगों के पास क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, जिनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो इनकमिंग एलिगेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आए वो सोडियम क्लोराइड को, जैसे भाई वाटर है, वाटर के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, पेट्रोल में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो सोडियम क्लोराइड जो है पेट्रोल के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। और एक और इसका बड़ा रीज़न ये भी है कि वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, और ये आम तौर पर जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।